हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सीएचओ का पार्ट सेकंड लेके आई हूँ। सीएचओ एग्ज़ाम जो राजस्थान में लगा था उसके मैंने कल प्रीवियस सीएचओ फर्स्ट क्लास में मैंने 21 तक क्वेश्चंस डिस्कशन किए थे। अब मैं क्वेश्चन 22 से आपको फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज 22 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सोल्युबल विटामिन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। देन 23 की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? द राइट आंसर इज सनफ्लावर ऑयल, राइट। देन विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। कंप्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू कर देनी चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 6 महीने की उम्र पे। निम्नलिखित में से कौन सा टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रोटीन इज नीडेड फॉर टिश्यू रिपेयरिंग। देन क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? हल्का बुखार नहीं है, ठीक है। VVM का फुल फॉर्म क्या है? वैक्सीन वायल मॉनिटर, राइट आंसर इज बी। 9 माह पर विटामिन ए की डोज कितनी होनी चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। कोरोना वायरस से डीकंटामिनेशन किस रासायनिक पदार्थ से किया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 24 से 27। टेटनस टॉक्सिक्स के दो टीके लगने के बीच कम से कम कितना अंतराल रखना चाहिए? कम से कम 4 सप्ताह, मतलब 1 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जन्म के से समय दी जाती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी। COVID-19 बीमारी का कारक क्या है? द राइट आंसर इज बी, वायरस। ओके फ्रेंड्स, देन क्वेश्चन नंबर 35, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? द राइट आंसर इज सी, 206। टीबी की जांच के लिए किए जाने वाले ट्यूबरक्लाइन टेस्ट को क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज बी, मोंटेक्स टेस्ट। मानव शरीर में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? द राइट आंसर इज लीवर। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन का नाम बताइए। तो राइट आंसर इज टेस्टोस्टेरोन। देन लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्टोर होता है? द राइट आंसर इज ग्लाइकोजन। किस आबादी समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी को क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्राइमरी केस कहते हैं। राजस्थान की शिशु मृत्यु दर कितनी है? द राइट आंसर इज सी। BMW से क्या मीन्स है? बायोमेडिकल वेस्ट। द राइट आंसर इज 42 बी, क्वेश्चन 42 का बी आंसर। BP मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नली को हाथ के किस ओर रखना चाहिए? द राइट आंसर इज बी, मिडल में रखना चाहिए। वर्तमान में भारत की कुल
टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? द राइट आंसर इज बी 2.2। टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? द राइट आंसर इज ए विडाल टेस्ट किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? द राइट आंसर इज बी जनेवा में है। ओके, देन जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? द राइट आंसर इज बी ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन की कितनी आबादी के लिए स्थापित किया गया है? द राइट आंसर इज सी 30,000 आबादी के लिए किया गया है। देन वर्तमान में राजस्थान का मृत्यु दर कितनी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देश में पिछली जनगणना कब की गई थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2011 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए मैं यहीं तक ही लेके आई हूँ फ्रेंड्स आपके लिए। तो आज की क्लास बस यहीं तक ही हम समाप्त करते हैं। कल फिर से हम न्यू क्लास लेके आएंगे, पार्ट 3 CHO लेके आएंगे, जो कि आपको अच्छी लगेगी और उसको कंटिन्यू करना।